कारण दैट गवर्नमेंट एंड कौन ये झील एंटरटेनमेंट को मजाकार सफर कहता है, इसमें मजा ही मजा मजा का नवाब कुछ, लेकिन ये मजा पाने के लिए कुछ कोना बनता है। दिल्ली में कहा होता ना, कुछ पाने के लिए कुछ कोना। दोस्तों अब मैं चिल्का पहुंच चुका हूं और यहां का मैं आपको ले जा रहा दिखा रहा हूं। दोस्तों ये चिल्का है, काफ़ी धूप है आज यहां पर और चलिए देखते हैं आगे चिल्का का क्या है। तो दोस्तों आज चिल्का में जहां पर गाड़ियां रुकी थी वहां का ये नज़ारा है। तो चलिए मैं इसके आगे आपको दिखा देता हूँ यहाँ का। ये चिल्का का एरिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम बोट लेने के लिए आए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम रेंट पे बोट लेंगे और उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाऊंगा कैसा क्या है। यहाँ पर खाने के लिए भी व्यवस्था है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जैकेट है और यहाँ पर काउंटर है, काउंटर से टिकट लेकर के जैकेट जो है यहाँ पर मिलता है। तो ये देख सकते हैं इतना सारा जैकेट यहाँ पर रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सब अपना लाइफ जैकेट बोट में जाने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, देख सकते हो। और कुछ खास ये जैकेट नहीं है, सब टूटे हुए हैं जैकेट, फिर भी चलो अब यूज़ करना है इसलिए हम इसको ले रहे हैं। और मैंने भी एक जैकेट पहन के रखा हुआ है, तो चलिए मैं अब इसके आगे का आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है चिल्का झील का तट, देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी सारी नाव खड़ी है और सामने में एक बोट है जो मछली पकड़ रहे हैं। तो चलिए अब मैं बोट की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से हम लोग बोटिंग करेंगे। चलिए तो दोस्तों अब हम बोट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर कम से कम 40-50 लोग हमारे साथ में बोट में बोटिंग करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बोट आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चिल्का झील में अभी उतना पानी नहीं है जितना हमेशा होता है, फिर भी हम देखते हैं आगे में क्या है। दोस्तों अब हम फाइनली बोट की तरफ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर चलने के लिए यहाँ बनाया गया है। अब मैं बोट में बैठूँगा। तो दोस्तों अब हम फाइनली बोट में बैठ चुके हैं और ये हमारी बोट है। लोग तो जानते बस में लगाई मंडू सोने की यहाँ ये है ना राधा जी, ऐसा टाइम लगता कुछ नहीं है, 30-35 मिनट ज्यादा नहीं है, यहाँ से उधर जा सकते हैं। हमारे रात को 10 बजे के आराम से, अरे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, कोई ज्यादा ही नहीं है वहाँ पे, नहीं रोड में भी कहीं ट्रैफिक नहीं है। ऑटो वाले तो दोस्तों ये जो नाव चलाने वाला है उसने अपने बोट में डीजल डाल रहा है और इसके बाद हमारी बोट जो है वो काफ़ी तेज गति से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो दोस्तों अब फाइनली हमारी बोट जो है शुरू हो चुकी है, तो चलिए अब मैं इस तरह का वीडियो आपको दिखाऊंगा।
दोस्तों, जैसा कि आप आवाज़ सुन रहे होंगे आप, कि ये जो बोट जो है काफ़ी तेज आवाज़ से चलती है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये बोट जो है काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है और हम झील के काफ़ी अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि मछली पकड़ने के लिए यहाँ साधन बनाए गए हैं ताकि आसानी से मछली को पकड़ा जा सके, और काफ़ी तेज गति से हमारी बोट जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि झील में पर्याप्त मात्रा में पानी है और हमें उम्मीद है कि हमें आगे ज़रूर डॉल्फिन जो है वो दिखाई देगी, और उसी को अधिकतर देखने के लिए लोग जो है चिल्का झील में आते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मुझे डॉल्फिन दिखती है या नहीं दिखती है। यहाँ पर दोस्तों हमें लाल केकड़ा भी देखने को मिला, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जहरीला होता है क्या? देख बेटा, जहरीला होता है। ये जहरीला होता है? अच्छा। डंक लग रहा है मेरे को। डंक ना, ये आगे देखेंगे पीछे देखेंगे, ठीक है ना? हमें तो आगे देखेंगे, पीछे हमें नहीं देखेंगे, वो पीछे देखने वाला है। आगे पीछे वाला ये भगवान को सिस्टी देखा आंख ना। दोस्तों हम आगे की तरफ जा रहे थे तो जो नाव चलाने वाला है इसने हमें एक छोटे से टापू के पास ले गया, और वहाँ पर जो है हमें सीप से मोती जो है वो कैसे निकलता है इसको एक व्यक्ति वहाँ पर दिखा रहा था, और साथ ही वो वहाँ पर उसको बेचते भी हैं बहुत सारे। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे सीप से मोती को निकाल के हमको दिखा रहा है। दोस्तों ये है सी का व्यू, सी तो नहीं बोलूँगा, झील है जी, इसका व्यू है ये। और अभी मैं नाव के ऊपर पर खड़ा हूँ, तो दोस्तों अब हम झील के और आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझे मोटर बोट को चलाने का थोड़ा सा अनुभव भी मिला, और काफ़ी ये मेहनत भरा काम होता है। हमको लगता है कि काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी ये मेहनत भरा होता है। दोस्तों मैं अब बोट के एकदम सामने में आ चुका हूँ, देख सकते हैं, और अब यहाँ से मैं आपको पूरा इसका व्यू आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है चिल्का झील पे, काफ़ी आगे में हम आ चुके हैं, लगभग 4 किलोमीटर तो आ चुके हैं। पानी हालांकि इतना साफ नहीं है, काफ़ी हरा मुझे दिख रहा है, और छोटी छोटी हल्की हल्की मछलियाँ भी मुझे दिख रही हैं यहाँ पर।
ये जैसा बोला जाता है कि डॉल्फिन जैसा, तो मुझे अभी तक कुछ लगा नहीं है। यहाँ चिल्का झील के पास आने पर मैंने 350 रुपये बोट के दिए हैं पर हेड, और यहाँ पर बहुत प्रकार के आपको रेट्स देखने को मिल जाएंगे। कहीं 350 ले रहे हैं, कहीं 500, कभी 600, कभी 1000, कहीं 1500, इस तरीके का पर हेड रेट आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग से कहा जाएगा कि डॉल्फिन दिखाया जाएगा, लेकिन नल व्यू ये है कि आप जो लोएस्ट प्राइस का होगा उसी को आप चूज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी किसी ने यही बताया था। और जितना इन्होंने ये बताते हैं कि हम कितने सारे डेस्टिनेशन जो है वो कवर करेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। इनके कुछ गिने चुने 4-5 जो पॉइंट है केवल वहीं तक ये ले जाते हैं। दोस्तों अब हम लगभग 8 से 10 किलोमीटर के अंदर तक चिल्का झील की तरफ आ चुके हैं, और आगे की तरफ डॉल्फिन जो है देखने को मिलती है, ऐसा नाव वाले ने हमें बताया है। तो चलिए अब हम थोड़ा और अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमको डॉल्फिन दिखाई देती है या नहीं देती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आगे जो है डॉल्फिन ज़रूर मुझे दिखाई देगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने वहाँ पर डॉल्फिन जो है वो देखा है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी आप घूमने जाए तो उसके पहले काफ़ी कुछ पता कर लीजिए कि वो जगह कैसी है और कितने खर्च वहाँ पर आपको पैसे करने होंगे, और उसके बाद ही आप किसी भी डेस्टिनेशन को पूरी तरीके से घूमने का प्लान बनाइए। क्योंकि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हम इतना दूर आए हैं तो क्यों ना इतना पैसा खर्च करके हम आनंद उठाएं, लेकिन जनरली वैसा नहीं होता है। आप कम खर्चे में भी काफ़ी आनंद जो है वहाँ पर ले सकते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि पहले आप किसी भी जगह को अच्छे से जान लीजिए और एक अच्छा प्लान बनाइए, उसके बाद ही आप उस टूर पे जाइए। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अन्य नाव भी है हमको वहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस भी नाव में जाइए वहाँ पर जो नाव वाले हैं काफ़ी चालाक होते हैं, और जैसे आप ग्रुप में जा रहे हैं बातचीत कर रहे हैं तो वो नाव वाला जो है अचानक से चिल्ला देता है कि देखो वो रहा डॉल्फिन, वो देखो डॉल्फिन, वो देखो डॉल्फिन, और आप अचानक से चौंक करके पानी के आसपास देखने लगते हैं और आपको वहाँ कोई डॉल्फिन दिखाई नहीं देता है, और इससे आपकी उत्सुकता बढ़ जाती है और आप जो है नाव वाले को और पैसा देते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हमको थोड़ा और आगे ले जाइए जहाँ पर हमको डॉल्फिन दिखाई देती है। तो ये सब इन नाव वालों की ट्रिक होती है। और चलिए अब हम आगे की तरफ देखेंगे कि हमको डॉल्फिन दिखाई देती है या नहीं देती है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे की तरफ गए हमको अचानक से एक डॉल्फिन जो है वो जंप मारते हुए दिखाई दी। देखिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये देखिए, एक आपको काला चित्र दिखाई दिया होगा, वो डॉल्फिन थी। और भी मैंने बहुत सी, ये देखिए, और भी मैंने बहुत सी डॉल्फिन जो है वहाँ पर देखी है। ये देखिए, और आपको डॉल्फिन दिखेगी। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पर कुल 7 से 8 की संख्या में डॉल्फिन जो है देखी है। तो दोस्तों, अब हम यहीं पर एक राजहंस नाम का आइलैंड है, वहाँ की तरफ जा रहे हैं। और उस आइलैंड से लगा हुआ एक समुद्र है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी सुंदर ये समुद्र मुझे लगा। और चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कि यहाँ पर कुछ नारियल की दुकानें हैं, दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर कुछ चाय वगैरह मिलती है, चिप्स वगैरह इस तरीके से इस आइलैंड में मिलता है। और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो आप देख रहे होंगे, इस झील के उस तरफ कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर इन लोग रहते हैं। और वहाँ से इन लोग आकर के यहाँ पर डेली अपना व्यवसाय को पूरा चलाते हैं। और काफ़ी अच्छा ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और एक बार आप कभी यदि पुरी आना होता है तो ज़रूर एक बार चिल्का झील आप ज़रूर आइए, काफ़ी अच्छी जगह है। और मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो दोस्तों, इस आइलैंड का जो नाम है वो सी माउथ राजहंस आइलैंड, ऐसा यहाँ के जो लोकल दुकानदार से पूछा मैंने तो उसने मुझे बताया है। तो चलिए, इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। रास्ते में आप देख सकते हैं काफ़ी रेत यहाँ पर मुझे दिख रही है। और इस आइलैंड के पीछे तरफ पर हमको एक बहुत सुंदर सा समुद्र नज़र आने वाला है। तो चलिए, मैं आपको उस तरफ पर ले जाता हूँ। मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि रेत में मेरी चप्पल जो है वो काफ़ी फंस रही है। और काफ़ी धूप भी है आज, देख सकते हैं। कल का जो मौसम था काफ़ी सुहाना मौसम था और काफ़ी मज़ेदार कल का मेरा ट्रिप रहा। उसकी वीडियो भी मैंने डाली है, आप चाहे तो उसको मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको समुद्र की तरफ ले जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं इस रास्ते के आधे तक पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं अंडमान निकोबार में आ गया हूँ। और एक तरफ तो पूरे घने जंगल मुझे दिख रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा खाली मैदान मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए, मैं और थोड़ा सा आगे चलता हूँ ताकि मैं आपको समुद्र दिखा सकूँ अच्छे से। चलिए दोस्तों, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। और ये रेत की वजह से मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने चप्पल जो पहनी है उसमें काफ़ी रेत घुस रही है। और इसके अलावा थोड़ा सा दिक्कत आती है रेत पर चलने पर। और देख सकते हैं कितनी सुंदर ये रेत है, काफ़ी अच्छी रेत है ये। और चलिए, मैं आपको समुद्र दिखाता हूँ। तो जैसा आप दोस्तों देख रहे हैं, मैं समुद्र के बहुत नज़दीक पहुँच चुका हूँ। और इतना खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। जन्नत में आ गया हूँ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। देख सकते हैं आप, इतना ज़ोरदार चीज़। बिल्कुल, आप कभी पुरी घूमने आते हैं, जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने आते हैं, तो चिल्का झील को कभी मिस मत
बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत मनोरम दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इतना सुंदर नीला पानी, क्या बोलेंगे। और यहाँ पर कुछ कपल्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, हालांकि मैं तो समुद्र देखने आया हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने 350 रुपये में बोट बुक की थी, यानी कि हम लोग कुछ 9 लोग थे, 9-10 लोग थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 350 रुपये में बिल्कुल सही प्राइस में जो है बोट बुक की है, क्योंकि मुझे डॉल्फिन भी नज़र आ गया और ये मैं समुद्र को भी देख लिया हूँ अच्छे से। देख सकते हैं आप दोस्तों, मैं आगे जाने की कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मेरी चप्पल जो है ख़राब हो जाएगी, पैंट ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं उतना आगे नहीं जा रहा हूँ। ये देखिए मुझे केकड़ा नज़र आ रहा है, अरे भटिया भटिया भटिया। बहुत ही खूबसूरत है ये दृश्य, देखिए ऐसा लग रहा है पूरा दूध बह के मेरे पास आ रहा है। इसका पानी का जो रंग है इतना सुंदर नीला है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। देखिए इतना सुंदर नीला पानी है, बिल्कुल उस शब्द की जो एग्जांपल है आपको यहां देखने को मिलेगा। दूर दूर तक केवल पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र, देख सकते हैं आप। और मैं वाकई में ऑनेस्टली आपको बोलूंगा कि आप एक बार उड़ीसा का टूर कीजिए, जगन्नाथ मंदिर जाइए, भुवनेश्वर घूमिए, कोणार्क जाइए, काफ़ी अच्छी जगह हैं। और एक दिन का टूर आप बिल्कुल चिल्का के लिए बनाइए, और यदि आप इसको मिस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका वो जो ट्रिप है वो कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको उसमें महसूस ज़रूर होगी। और मेरी पर्सनल राय ये है कि आप यदि उड़ीसा का टूर बना रहे हैं तो आप कम से कम 4 दिन का टूर बनाइए, जिसमें आप एक दिन बढ़िया पूरी घूमिए, एक दिन आप भुवनेश्वर और आसपास के जो क्षेत्र है उसको घूमिए, एक दिन चिल्का घूमिए, और एक दिन आप अपने रेस्ट के लिए रखिए, क्योंकि रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रेस्ट के आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये देख सकते हैं अब तो मेरा चप्पल गीला होगा ऐसा लगता है मुझे। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, चिल्का झील में डॉल्फिन है, और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, मैंने खुद इस डॉल्फिन को देखा है। इस वीडियो में मैंने इस डॉल्फिन का डाला भी है वीडियो, तो आप बिल्कुल चिल्का झील आकर के डॉल्फिन देख सकते हैं। यदि आपकी किस्मत में रहा तो आपको ज़रूर डॉल्फिन नज़र आएगी। मुझे आज 6 से 7 डॉल्फिन जो है वो दिखी है, जिसमें करीब 3 छोटे बच्चे थे डॉल्फिन के और 4 मुझे थोड़े से बड़े साइज के डॉल्फिन जो है वो दिखे हैं, काले और भूरे रंग के मुझे यहाँ पर डॉल्फिन जो है वो नज़र आए हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि आप अपने नाव वाले को थोड़ा लंबा दूरी तक जाने के लिए बोलिएगा, क्योंकि ये जो डॉल्फिन है वो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर जब तक आपकी नाव नहीं जाएगी तब तक आप उसको डॉल्फिन को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नाव वाले जो है जल्दीबाजी में आपको पूरा कवर नहीं करते हैं जगह को, जिसकी वजह से आप अच्छी चीज़ें मिस कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस बीच का वीडियो को मैं यहीं पर बंद करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।